sorry ass DJ. आप लोग के साथ जो साड़ी शेयर करने वाली हूँ, जो साड़ी ट्यूटोरियल में करने वाली हूँ, वो है मरमेड साड़ी लुक, जिसे मैंने बहुत ही डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश की है। तो आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ में। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप मेरे वीडियो से अपडेट हो सके। और ये वीडियो मैं नाइट में ही बना रही हूँ तो हो सकता है थोड़ा सा शैडो वगैरह आप लोग को दिख रहा हो वीडियो में, तो प्लीज़ माइंड ना करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं गुड़िया और आप देख रहे हो मेरा चैनल गुड़िया जानवी। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक बात और भी कहना चाहती हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, वीडियो को पसंद करते हैं, तो आप लोग मेरी कमियों को भी बताते रहा करिए। वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, वीडियो की क्वालिटी कैसी आ रही है, अब मेरी वॉइस आप लोगों को कैसी मिल रही है, ये सारी चीज़ें अगर आप लोग मुझे बताते रहेंगे, कॉमेंट करके मुझे बताते रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और शायद मैं और भी ज़्यादा अपने वीडियो में कुछ इम्प्रूव कर पाऊँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने वीडियो को। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैं साड़ी ड्रेप करने वाली हूँ वो मेरी जो है टू पीस साड़ी है, मतलब दो कलर में है और बिल्कुल कंट्रास्ट कलर। यहाँ पर जो मेरी साड़ी का फैब्रिक आप देख सकते हो, एक मेरा शिफॉन का है, ये वाला शिफॉन का जो है पार्ट है और बाकी जो है मेरा जॉर्जेट का है पल्लू। जो उसके बाद मैंने जो यहाँ पर पेटीकोट वेयर किया है उसका नारा मैंने मिड में बांधा हुआ है और साइड से इस तरह से आपको बिल्कुल जो है एक सेप वेयर का सेप मिल जाता है जब आप पेटीकोट का जो नारा है वो मिड में बांधते हैं। इससे साड़ी का लुक बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद आपको एक बेसिक टक कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे किए ले रही हूँ नॉर्मल साड़ी में जैसे हम लोग करते हैं उसी तरीके से आपको कर लेना है। हील वगैरह अपने आप वेयर कर लें साड़ी पहनने से पहले ही, और मैंने यहाँ पर हील वेयर नहीं की है तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ। बट अगर आप का साड़ी पहन लें तो अपनी हील जरूर वेयर कर लें, इससे आपको आइडिया हो जाएगा साड़ी आपको कितनी रखनी है। साड़ी हमेशा फ्लोर से टच करते हुए ही रखें। उसके बाद हम अपना पल्लू मेजर कर लेंगे। तो पल्लू मेजर क्या करना है, मेरा तो पल्लू पता ही है कि मुझे कहाँ तक लेना है। उसके बाद मैं इस तरह से रफली यहाँ पर टक किए ले रही हूँ और अपना पल्लू बना ले रही हूँ। तो आप देख सकते हो चौड़े बॉर्डर की साड़ी है मेरी, तो मैं इतना ही पल्लू बनाऊँगी जितना मेरा बॉर्डर है। तो इस तरह से लेकर आपको बना लेना है पल्लू, अपना सारा सेट कर लेना है। आप अपने हिसाब से पल्लू बना लें, जैसे भी आप पल्लू की प्लेट्स बना सकते हैं वैसे इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ईजिली आपकी पल्लू की प्लेट्स बन जाएगी और बार बार आपको जो है झंझट नहीं करना पड़ेगा। पल्लू छोटा बड़ा हो जाता है अक्सर हम जब पल्लू की प्लेट्स बनाते हैं, मगर इस तरह से बनाने पर आपकी एकदम परफेक्ट पल्लू की प्लेट्स बन जाएगी। उसके बाद जो आप फैब्रिक आप देख रहे हो मेरा पिंक वाला, और ये फैब्रिक हम इस तरह से करेंगे कि ये सारा जो है बॉर्डर में ही हाइड हो जाएगा हमारा और दोनों बॉर्डर को हम निकाल के सामने ले आएंगे। तो इस तरह से ही पल्लू को सेट करना है आपको, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी सी प्लेट्स को मेजर करते हुए आपको और अपने जो है पल्लू को अरेंज करना है, पल्लू की प्लेट्स को, और इस तरह से पल्लू को अपने गैदर कर लेना है और उसमें पिन लगा लेना है आपको सिक्योर करने के लिए। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करते रहें आप लोग, और आपको जो है नीचे लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें। क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि मैम आपका इंस्टाग्राम हैंडल क्या है, आपका नाम क्या है। तो मेरे सेम नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक पेज, सारा जितना भी मेरा सोशल मीडिया का है वो सारा मेरा एक ही नाम से है, गुड़िया जानवी नाम से। तो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने अपने पूरे पल्लू को इस तरह से कर लिया है, दोनों बॉर्डर मैंने ऊपर कर लिया और जो मेरा बीच का फैब्रिक है साड़ी का उसे हमने हाइड कर दिया है अपने बॉर्डर में। अब यहाँ पर हम इस तरह से लेकर पिन लगा लेंगे। तो जैसे पिन हम साड़ी मतलब साड़ी में हम पिन इस तरह से लगाएंगे जैसे कि हम सुई धागा से सिलाई करते हैं। तो सारी एक एक प्लेट्स को हम लेते जाएंगे इस तरह से और बस करके हम अपने पिन को लगा लेंगे। इससे हमारा पल्लू एकदम सिक्योर हो जाएगा अच्छे से। जब हम इसे वेयर करेंगे तो फिर इसे हम सही से अरेंज कर लेंगे। अब हम पल्लू को अपने साइड में रख देते हैं और हम अपनी प्लेट्स को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये इस तरीके से साड़ी को टक किया है बिल्कुल जो है बेली बटन के सामने, क्योंकि हमें अपनी प्लेट्स जो है वो कमर की वो सारी बेली बटन के सामने ही टक करनी है ताकि एक लुक अच्छा सा आ जाए हमारा। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिए। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन को भी प्रेस कर देना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप वीडियो से मेरे अपडेट हो जाएँ। तो बाकी जो मेरा फैब्रिक साड़ी का बच रहा है उसे हम अंदर की ओर थोड़ा सा पुश करते हुए और इस तरह से अपनी सारी कमर की प्लेट्स को जो है गैदर करते हुए सिक्योर कर लेंगे एक पिन से, ताकि कोई भी प्लेट्स हमारी जो है वो अलग से जो है स्लिप ना करे या जो शिफ्ट ना हो। तो इस तरह से देख लेना आपको। और शिफॉन के वैसे भी फैब्रिक जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे से जो है गैदर हो जाती है उनकी प्लेट्स वगैरह और बहुत ही अच्छे से बन भी जाती हैं साड़ियाँ। तो बस इस तरह से लेकर आपको अपनी कमर में टक कर लेना है। बाकी जो भी आपका फैब्रिक बचता है उसे साइड में ले जाकर आप टक कर लें और उसके बाद इस तरह से हम सारी अपनी प्लेट्स को जो है सही करते हुए और इसमें एक पिन लगा लेंगे। इससे हमारी प्लेट्स जो है कमर की अच्छे से सिक्योर हो जाएंगी। अगर आप बिगनर हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और बाकी हम लोग तो नॉर्मल करते ही रहते तो हम लोगों का तो नहीं होता है। इसके बाद हम इस तरह से अपने जो है बॉर्डर को लेकर आएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर तिरछा बॉर्डर नहीं ले रही हूँ। इस तरीके से मुझे बॉर्डर नहीं रखना है क्योंकि वैसे भी हाइड हो जाना है बॉर्डर को, तो इसलिए हम इस तरह से ही बॉर्डर लेंगे अपना। अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर अपना टॉप हटा दिया है और मैंने ब्लाउज़ अपना पहन लिया है। अब हम सारी प्लेट्स को अरेंज करेंगे पल्लू की और इसे हम थोड़ा सा मेजर कर लेंगे कि हमारा कहाँ तक जो है पल्लू आएगा। तो ये चीज़ आपको देखना है, उसी हिसाब से आपको अपना पल्लू सेट करना है। तो आप देख सकते हो कि मेरा अच्छे से जो है बॉर्डर आ गया है बिल्कुल मेरी प्लीट्स के पास में, इस तरह से जिस तरह से हमें चाहिए। और आप पीछे भी देख सकते हो जब हम अपना पल्लू पीछे से घुमा के लाएंगे इसे फंसाएंगे तो थोड़ा सा जो है ये बॉर्डर मेरा चौड़ा बॉर्डर है तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब सा लग रहा था, क्योंकि इसके साथ में हमारी जो पल्लू जा रहा था तो जब ये फंसता था तो पल्लू अजीब ही लगेगा क्योंकि बॉर्डर मुड़ जाता है। तो इसके लिए हम अपनी कमर की प्लेट्स को जो है पिन मैंने निकाल दी है और उसमें से हम अपनी कमर की प्लेट्स को जो मैंने बनाई थी उसमें से 3 प्लेट्स हम ओपन कर देंगे अपनी, ताकि हमारा जो पल्लू है वो अच्छे से सेट हो पाए इस तरह से। अब मैं फिर से मेजर किए ले रही हूँ, कुछ इस तरह से कर लेना है आपको भी और देख लेना है। अब पीछे से भी आप देख सकते हो, ये देखिए मेरा यहाँ पर देख रहे हो बॉर्डर थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, तो अभी हम थोड़ी सी अपनी प्लेट्स और भी ओपन करेंगे इस तरह से, ताकि एक अच्छा सा काउल हमारा बन जाए पीछे भी और जब हम साड़ी वेयर करें तो साड़ी परफेक्ट हमारी है। उसके बाद इस तरह से अपने पिन को अंदर से सिक्योर कर दे प्लेट्स के साथ में। अब बहुत ही अच्छे से आपकी जो है प्लेट्स सिक्योर हो जाएंगी और कहीं पर भी आपकी प्लेट्स जो है स्लिप नहीं होगी, निकलेगी नहीं। और बस अपने पल्लू को इस तरह से सेट करें अच्छे से एकदम फिनिशिंग के साथ और एक पिन के साथ सिक्योर कर लें। उसके बाद हम अपने ऊपर जो है पल्लू को अच्छे से अरेंज करेंगे। और इसे जो है अपने शोल्डर पर सिक्योर कर लेंगे अपने पल्लू को। और बहुत ही लाइट मेकअप के साथ एक हेयर बन के साथ मैंने इस लुक को कंप्लीट किया हुआ है। ज्वेलरी में मैंने सिर्फ अपने झुमके डाले हुए हैं और मैंने कुछ भी नहीं डाला है। तो बस इस तरह से आपको अपनी सारी प्लेट सही कर लेनी है पल्लू की और सेट कर लेना है इनको अच्छे से। अब जो आप देख रहे हो मेरा ये कुछ पल्लू लूज सा दिख रहा है, इस पल्लू को हम इस तरह से अंदर को पुश करते हुए और एक पिन से इसे जो है टक कर लेंगे। इस तरह से परफेक्ट पल्लू आपका बन जाएगा, क्योंकि अक्सर हैवी बॉर्डर वाली जो साड़ियाँ होती हैं, जो लचक वाली साड़ियाँ होती हैं, उनमें अक्सर हमारा जो है साइड का हिस्सा लूज हो जाता है। तो कुछ इस तरह से आप सिक्योर कर सकते हैं। तो ये है मेरा ओवरऑल लुक। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको फुल लुक दिखा दे रही हूँ अपना। साइड का भी देख सकते हैं कितनी अच्छे से फिनिशिंग आई है। देन नीचे से भी आप देख लो प्लेट्स वगैरह बहुत ही अच्छे से परफेक्टली एकदम आ गई हैं और पीछे से भी आप बॉर्डर देख सकते हैं साड़ी का। कोई सजेशन हो तो मुझे ज़रूर दीजिएगा आप लोग, और इस साड़ी को कितने अच्छे से मैं वेयर कर सकती हूँ आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। अगर कोई और भी तरीका आप लोगों को पता हो तो मुझे कमेंट करिएगा। कोई सजेशन हो तो मुझे दीजिएगा और कोई रिक्वेस्टेड वीडियो को ना आप लोग देखना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए लव यू वॉचिंग, आई लव यू, बाय बाय फ्रेंड्स।